भोजपुरी सिनेमा के स्टार एक्टर दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ काफी फेमस है। उनके चाहने वालों की कोई कमी आज है नहीं। दिनेश लाल यादव को घूमने फिरने का बहुत शौक है। भोजपुरी स्टार निरहुआ की अभिनेत्री आम्रपाली बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन काफी समय से ये चर्चा भी चल रही है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दिनेश लाल यादव इस बात को हमेशा अफवाह बताते हैं और कहा है कि शादी उनकी हो चुकी है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को पता नहीं है। कभी साइकिल पर चलने वाले दिनेश लाल यादव आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। जी हाँ, उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों को आज हम लेकर आए हैं। दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ मूल रूप से गाजीपुर टंडवा से आते हैं। जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा में आने से पहले वो गाना गाया करते थे। दिनेश को बचपन से ही गाने बजाने का काफी शौक रहा है, लेकिन उस समय निरहुआ का परिवार काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उस वक्त निरहुआ के पिता मासिक आय महज 3500 रुपए ही थे। इतने थोड़े से पैसे में उनके पिता 7 लोगों का पेट पालते थे, जो उनके लिए काफी मुश्किल था। निरहुआ जब छोटे थे तो उस समय उनके पिता अपने बड़े भाई के साथ पैसे कमाने के लिए कोलकाता चले गए थे, लेकिन अपने पीछे उन्होंने अपनी पत्नी और 3 बेटियों को छोड़ दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने साथ वो केवल अपने बेटे निरहुआ को ले गए थे। निरहुआ की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में ही हुई। उन दिनों इतने पैसे निरहुआ के पास नहीं हुआ करते थे, वो कभी भी जाने के लिए पैदल ही जाते थे। उन दिनों में उनके घर पर एक साइकिल भी नहीं थी, लेकिन निरहुआ ने अपनी जिंदगी को बनाने के लिए काफी संघर्ष किया। 2001 में निरहुआ के 2 एल्बम बुढ़वा में दम्बा और मलाई खाए बुढ़वा आए थे। जी हाँ, इन एल्बम की वजह से उनकी पहचान बन गई और इसके बाद वो लोगों के लिए नया चेहरा नहीं रह गए। 2003 में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव का एक और एल्बम निरहुआ सटल रहे आया। ये एल्बम सुपर हिट रहा। इसके बाद निरहुआ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय उनके सितारे बुलंदी पर थे। उसके बाद निरहुआ को भोजपुरी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। इन सब में उनके पिता ने उनका बहुत साथ दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि आज निरहुआ अपनी लाइफस्टाइल काफी अच्छे से जी रहे हैं। आज उनके पास कई गाड़ियां हैं, महंगे घर हैं, कभी साइकिल के लिए मोहताज निरहुआ आज भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं। जी हाँ, तो आपका इस पर क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट टाइम भोजपुरा से सुरभि की रिपोर्ट।